नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अयोध्या राम मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या मार्ग से जाने वाले यूपी के सभी रोडवेज बसों का संचालन रोक दिया गया है। भारी भीड़ को देखते हुए रोडवेज बस के एमडी ने यह फैसला लिया है। यहाँ राम मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या जाने वाली यूपी रोडवेज की सभी बसें रोक दी गई हैं। परिवहन निगम के महाप्रबंधक ऑपरेशन मनोज पुंडीर ने बताया कि अयोध्या जाने वाली सभी मार्ग की बसों का संचालन बंद किया गया है। भीड़ कम होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी। अयोध्या में मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्तों को 4 से 5 किलोमीटर पहले ही बंद कर दिया गया है। सिर्फ पैदल यात्रियों को ही लाइन से पैदल जाने की अनुमति मिली है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सुबह से भारी संख्या में लोग मंदिर के बाहर जमा हो गए थे, जिससे प्रशासन के सामने अव्यवस्था के हालात पैदा हो गए थे। परिवहन निगम के महाप्रबंधक ऑपरेशन मनोज मुंडीर ने बताया कि अयोध्या जाने वाले सभी मार्ग की बसों का संचालन बंद किया गया है। लखनऊ जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि अभी कोई भी यात्री अयोध्या न भेजे जाएं। बढ़ती हुई भीड़ को नियंत्रण करने में समस्या हो रही है। इसके बजाय यहां से लोगों को अन्यत्र भेजने की व्यवस्था की जाए। कृपया 2 घंटे के लिए अयोध्या की सेवाएं स्थगित रखें। अयोध्या से आगे के यात्रियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी क्षेत्र अनुपालन सुनिश्चित करें। बाराबंकी के जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि परिवहन निगम की कोई भी बस अभी अयोध्या नहीं जा सकेगी, क्योंकि अयोध्या में बढ़ती भीड़ का नियंत्रण करने में समस्या हो रही है। लखनऊ से गोरखपुर मार्ग पर जाने वाली बसें रामनगर गोंडा होते हुए संचालित कराई जाएंगी।